नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी बालकनी में पालक कैसे उगाएं। तो बड़ी जगह में तो सभी पालक मेथी सब उगाते हैं, लेकिन अपनी बालकनी में भी हम पालक उगा सकते हैं, हरी हरी सब्जियां और जितनी भी हो सकती हैं अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए, मैं पूरा आपको डे बाय डे का रिजल्ट भी दिखाऊंगी और हम अपनी बालकनी में पालक कैसे उगाएं ये भी आप देख सकेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। अब सर्दियां आने वाली हैं, पालक तो कितनी अच्छी सब्जी है, और अगर हम अपनी बालकनी में पालक उगाते हैं तो ताज़ी ताज़ी पालक की तो बात ही अलग होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे उगाएंगे अपनी बालकनी में। तो देखिए, ये सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी होगी। इसके लिए मैंने मिट्टी और सैंड को मिक्स किया है। उसमें मैंने 40% कंपोस्ट लिया है, क्योंकि ये हरी सब्जी है तो इसमें कंपोस्ट हमें थोड़ा ज़्यादा मिलाना होगा। और देखिए, ये टोकरियाँ हैं, ये लकड़ी की टोकरी हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, 20-30 रुपए की, और इतनी हल्की होती हैं कि जैसे कि हमें बालकनी में ज़्यादा वज़न भी नहीं होगा और हम इन्हें कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हमें इसलिए इनमें ही उगाना होगा, और बहुत ही हल्की हैं, कहीं भी उठा के जहाँ भी धूप आ रही है आप इसको वहाँ पे रख दो, क्योंकि हमें धूप में इसको उठा उठा के रखना होगा। इसको बीच में से मैंने पिन्नी को काट लिया है ताकि इसमें से पानी एक्स्ट्रा निकलता रहे, और चारों तरफ मैं इसमें पिन्नी लगा ली है क्योंकि ये लकड़ी की टोकरी है, ताकि इसकी जो लकड़ी है वो ज़्यादा गल वल ना जाए। इसलिए मैंने इसमें ये प्लास्टिक का जो ये पॉली बैग होता है वो मैंने लगा लिया है। अब इसमें हम मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर कर और इसमें भर देंगे। पहले नीचे थोड़ी मैंने इसलिए यहाँ पर बजरी रखी है क्योंकि ताकि एकदम से पूरा मिट्टी ना निकल जाए पानी के चक्कर में, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी ये बजरी लगा दी है जहाँ से मैंने पिन्नी को काटा था। तो इसको हम पूरी तरह से भर लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी बचा लेंगे बाद में डालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने भर ली है। अब हम इसमें पालक के बीज लगाएंगे। बहुत ही आसान है, पालक के बीज आप किसी भी नर्सरी से ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इनको बस ऐसे इस तरह से आप डाल दीजिए, और इसके ऊपर अब हमें लगानी होगी थोड़ी मिट्टी की परत, क्योंकि इसकी बीज थोड़े मोटे होते हैं तो थोड़ा मोटी सी परत लगानी होगी हमें। तो देखिए, हमने सारे बीज हमने डाल लिए हैं, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। तो बीज उगाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब हम उन्हें उगते हुए देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर हम अपने आंखों के सामने कोई भी सब्जी या फिर कोई भी फूल का पौधा उगाते हैं तो उसकी बहुत ही अलग ही बात होती है। तो अपनी बालकनी में भी आप ये सब कर सकते हैं। देखिए, अब हमने इस पर मिट्टी डाल दी अच्छे से दबा के। अब हम इसके ऊपर ज़्यादा दबाना नहीं है हमें, बस ऐसे ही ऊपर से मिट्टी डालनी है, और इसके ऊपर इसे हल्के हाथ से लेकर पानी डालना है, क्योंकि अगर हम एकदम से डालेंगे तो बीज भी बाहर आ सकता है। तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है। अब हम इसको बस ऐसे ही रख देंगे जब तक ये उगेगा नहीं, और देखते हैं कितने दिन में उगते हैं। तो देखिए, आज 4 दिन हो गए हैं और हमारे पालक के जो बीज थे वो निकल आए हैं बाहर। कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे। और अपनी बालकनी में एक छोटी सी टोकरी में मैं हमने ये लगाए थे, और देखिए कितने अच्छे से ये सारे निकल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ बाकी हैं, आपको दिख रहे होंगे सारे जो मुड़े मुड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब बाकी हैं। देखिए, 6 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है दोस्तों। 6 दिन बाद लगभग निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बीज बाकी हैं जो नहीं निकले हैं। तो यानी कि 10 दिन लग जाते हैं पूरी तरह से निकलने में। कुछ बीज जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लेट जो नीचे दब जाते हैं थोड़ा लेट निकलते हैं मिट्टी में। देखिए, कुछ आपको दिख रहे होंगे जो मुड़े मुड़े से हैं वो अभी बाकी हैं जो निकलेंगे। तो इस तरह से लगभग 10 दिन में ये पूरे निकल आएंगे, लेकिन काफ़ी लगभग 80% ये 6 दिन में पूरी तरह से निकल गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पालक उगा सकते हैं अपनी बालकनी में भी। और देखिए, दूसरी टोकरी है एक प्लास्टिक की, मैंने इसमें भी उगाया है। तो इसमें भी देखिए सारे बीज लगभग उग चुके हैं, और कितना अच्छा पालक उगा है। और अब इसकी पत्तियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो ताज़ी ताज़ी पालक अगर हम एक दिन भी 2 दिन भी खा लेंगे अपनी बालकनी में उगाया हुआ, तो उसका तो आनंद ही कुछ और है दोस्तों। तो भले ही हम 1-2 दिन ही खाएं, लेकिन वो हमारी मेहनत से और हमारे घर में उगी हुई सब्जी है, और उसका स्वाद लेकर हमें पता चलेगा कि अपने घर में उगाई हुई सब्जी का स्वाद कैसा होता है।
तो आप बालकनी में भी बहुत अच्छे से सब्जियां उगा सकते हैं और पालक तो और बहुत ही आसानी से। देखिए तो इस तरह से आप भी पालक उगाइए सर्दियों के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।